हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का पराठा। एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जैसे गांव में बन के तैयार होता है उसी तरह से। इसके लिए देखिए, मैं आटा ले ली हूँ और आधा चम्मच नमक इसमें डाली हूँ और एक छोटा चम्मच तेल है। इसको हम अच्छे से आटा में मिला लेंगे, नमक और तेल को। एकदम सिंपल तरीके से बना के तैयार करूँगी, जैसे गांव में बनता है। यूपी बिहार का फेमस है सत्तू का पराठा, या फिर इससे आप लिट्टी भी बना सकते हो सत्तू वाला। देखिए, मिला ली मैं। अब हम इसको गूंद लेंगे। इसको गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंद के तैयार कर लेंगे, जैसे हम बाकी पराठे के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से। ये भी आटा उसी तरह से लगा लेंगे। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। ये देखिए, गूंद ली मैं। अब इसको हम ढक के रख देंगे। अब हम सत्तू तैयार करेंगे। इसके लिए मैं एक कप सत्तू ली हूँ। मैं घर में ही भुना हुआ चना से पीस ली हूँ, आप चाहे तो बाज़ार से भी ले सकते हो। और एक चम्मच अदरक है, उसको मैं क्रश करके डाली हूँ। और एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन है, और धनिया डाल देंगे, और मिर्ची बारीक काट के, और प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे हम। और एक चम्मच कलौंजी है, इसको मंगरेल भी बोलते हैं, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आटा में भी नमक है तो उसको ध्यान में रखते हुए नमक डालना है। और एक नींबू का रस है, इसको मैं निचोड़ ली थी, इसको डाल देंगे। और एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल है, सरसों का तेल मिलाने से ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसमें आम का अचार का मसाला या फिर मिर्ची के अचार का मसाला भी मिला सकते हो, और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप सफ़र में ले जा रहे हैं तो प्याज नहीं डालना। ये देखिए, मिला ली मैं। अगर आपका सत्तू मुट्ठी नहीं बन रहा है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं, या फिर पानी का छींटा मार के भी इसमें मिला सकते हैं अच्छे से। आपको जितना मिर्ची खाना पसंद है आप अपने अनुसार मिलाना इसमें। अब हम बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोई बना के तैयार करेंगे। जितना बड़ा छोटा बनाना आप अपने अनुसार लोई बना सकते हैं। देखिए, अब मैं लोई बना ली। अब एक लोई को सूखे हुए आटे में लगाएंगे और इस तरह से देखिए बना लेंगे कटोरी के जैसे। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर से बनाना। आप लोग का कैसा बना कमेंट में ज़रूर से बताना। अब हम इसमें सत्तू को देखिए भर लेंगे। जितना ज़्यादा सत्तू भरा रहता है उतना अच्छा लगता है खाने में पराठा सत्तू वाला। इसको दबा दबा के देखिए अच्छे से देखिए भर लेंगे, और इसको बंद कर लेंगे इसी तरह से दबाते हुए। देखिए, इस तरह से बंद करके हम तैयार कर लेंगे। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अब हम इस तरह से देखिए बना लेंगे, और एक्स्ट्रा आटा जो उसको निकाल लेंगे, और इस तरह से हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके देखिए इस तरह से दबा लेंगे। ऐसे सत्तू पूरे आटे में अच्छे से फैल जाएगा, और सूखा आटा लगा के हम हल्के हाथों से ही बेलेंगे। देखिए, इस तरह से दबा के नहीं बेलना है, नहीं तो फट जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर फटता है तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सत्तू निकलता नहीं है। देखिए, इस तरह से इतना बड़ा मैं बनाई हूँ, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। चलिए, अब पराठा को बना लेते हैं। इसके लिए देखिए, मैं तवा रख दी हूँ, गर्म हो गया है, और इसके ऊपर पराठा को डाल देंगे, और 2 मिनट सेकने के बाद हम पलट देंगे। अब हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे। आपको जो भी पसंद है, तेल या घी जो भी पसंद है आप लगा सकते हो। इसको अलट पलट के दोनों तरफ से तेल लगा लेंगे हम। देखिए, इस तरह से लगा के, और इसको हम दबा दबा के अच्छे से देखिए पका लेंगे। देखिए, इस तरह से, इसी तरह से हम सारे पराठे को बना के तैयार कर लेंगे। आप लोग भी ज़रूर से बनाना एक बार मेरे तरीके से। ये देखिए, बन के तैयार हो गया, और मैं प्लेटिंग भी कर ली। मैं टमाटर और आलू के भरते के साथ प्लेटिंग की हूँ। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हो। चलिए, मैं एक आपको काट के दिखा देती हूँ। एकदम मैं सिंपल तरीके से बनाई हूँ, आप लोग भी ज़रूर से बनाना। देखिए कितना अच्छे से भरा हुआ है, और बहुत ही चटपटा बन के तैयार हुआ है। थैंक यू।